रही है। कैंटर गाड़ी ने किसान को रौंदा है। हादसे में एक किसान की मौत हो गई है, दो घायल हुए। दोनों घायल किसानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सब्जी बेचने के लिए दिल्ली जा रहे थे किसान, डिबाई क्षेत्र का बताया जा रहा है। ये तीनों किसान बताए जा रहे हैं। गाड़ी छोड़कर चालक मौके से फरार। थाना अहमदगढ़ क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ है, इसमें एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई। सब्जी बेचने के लिए जब ये किसान दिल्ली जा रहे थे उसी वक्त यह हादसा होता है। डिबाई क्षेत्र के ये तीनों किसान बताए जा रहे हैं, जिसमें दो की हालत बहुत नाजुक बनी हुई है और एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई है, और ड्राइवर जो है वो गाड़ी छोड़ के मौके से फरार। थाना अहमदगढ़ क्षेत्र के पास यह हादसा हुआ। हादसे में किसान की मौत हुई है, दो किसान घायल हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। सब्जी बेचने के लिए ये किसान दिल्ली जा रहे थे, उस दौरान ये हादसा होता है। डिबाई क्षेत्र के ये तीनों किसान बताए जा रहे हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बुलंदशहर में हादसा हुआ है। अनिल मीणा हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। अनिल, कैसे हादसा हुआ? गाड़ी दो गाड़ी आपस में टकराई है, जिससे भीषण हादसा हुआ है, जिसमें एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो चुकी है। दूसरे व्यक्ति की दो टायरें कट चुकी हैं, जो हालत गंभीर है उसको आया सेंटर रेफर कर दिया है। बुलंदशहर में हादसों का जो दौर जारी है सर। ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश